नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन को लेकर। जनरल नॉलेज में हम सब ने पढ़ा है कि भारत रेलवे के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है, तो आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि आखिर पहले तीन स्थान पर कौन कौन है। तो रेलवे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का नंबर है। भारत में रेल का नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर है। वहीं अगर हम भारत में रेल दुर्घटनाओं की बात करें तो कई दुर्घटनाएं देखने को मिली है, जिसमें से कई ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आई जिसमें कि जान माल का नुकसान हुआ है। इन सब के बाद भी आज भी लोग रेलवे में सफर करना मुनासिब समझते हैं। आज भी भारत में रेलवे को यात्रा को लेकर सबसे बेहतर माना जाता है और वो लोगों की पहली पसंद होती है। अगर हम रेलवे एक्सीडेंट की बात करें तो इसके कई कारण सामने आए हैं, जिसमें कि तकनीकी कारण से भी कई बार रेल दुर्घटनाएं सामने आई है। इसके बाद मानव भूल के कारण भी कई बार रेल एक्सीडेंट हुआ है। सड़कों पर हमने कई बार मीडिया में यह भी खबर पढ़ा होगा कि ड्राइवर के सो जाने के कारण कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लेकिन जरा सोचिए, यही स्थिति रेलवे के साथ हो तो उसमें क्या होगा? अगर चलती ट्रेन का लोको पायलट सो जाए तो क्या होगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर ड्राइवर के सो जाने के बाद भी ट्रेन का एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा? तो चलिए आपको आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि भारत की सभी ट्रेनों में दो लोको पायलट होते हैं। अगर एक लोको पायलट सो भी जाए तो दूसरा उन परिस्थितियों को देखते हुए ट्रेन को चलाने में सक्षम होता है। मान लीजिए अगर दोनों ही लोको पायलट चलती ट्रेन में सो जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ट्रेन के इंजन में लगे तकनीक की मदद से ट्रेन को रोका जा सकता है और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि चलती ट्रेन में मौजूद दोनों लोको पायलट अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो इसकी जानकारी सीधी इंजन के पास पहुँच जाता है, जिससे कि इस बात की जानकारी इंजन को होता है कि दोनों लोको पायलट एक्टिव है। मान लीजिए अगर वे हॉर्न बजा रहे हैं या फिर ब्रेक लगाएं, तो इन सभी बातों की जानकारी इंजन को होते रहती है। यही वह कारण है जिससे इंजन को लगता है कि दोनों लोको पायलट एक्टिव है। लेकिन एक स्थिति यह भी बन सकती है कि लंबे समय तक ड्राइवर को हॉर्न बजाने की जरूरत ना पड़े या फिर ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में लोको पायलट के पास डेड मेंस लीवर को समय समय पर दबाना होता है, यानी कि ड्राइवर के सामने एक ऐसा स्विच होता है जिसमें को कि उन्हें बार बार दबाना होता है। डेड मेंस लीवर एक खास तरह की डिवाइस है जिससे कि इंजन को इस बात का संकेत देता है कि ड्राइवर एक्टिव है। यदि ड्राइवर 2 से 3 मिनट तक ये डिवाइस नहीं दबाता है तो इंजन अपने आप कुछ समय के बाद, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। थोड़ी दूरी जाने के बाद वह जो है रुक जाएगी। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर दोनों ड्राइवर जो है अगर सो जाते हैं ट्रेन चलती ट्रेन में, अगर दोनों ड्राइवर सो जाए तो ऐसी स्थिति में ट्रेन कुछ दूर चलने के बाद वह अचानक से रुक जाएगी और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।